हेलो एस्पिरेंट्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस का ये पार्ट 6 है। इससे पहले 5 पार्ट्स में हम लोग 100 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। स्पेशली ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो गलत ना हो इसका चांसेस हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, ये सीख रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन 101, क्रॉस द ब्रिज। क्रॉस द ब्रिज का मतलब होता है कि कोई ऐसा काम करना और जब जरूरत पड़े तभी वो काम करना, उसको कहेंगे हम लोग क्रॉस द ब्रिज, ठीक है ना। इसको राम सेतु वाले सिनेरियो से याद रखना कि हनुमान जी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग तभी किया था जब उनको जरूरत पड़ी थी, जब उनको याद दिलाया गया था, ठीक है। तो कोई काम तब करना जब क्या करें, जरूरी पड़े। 101 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। 102, गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन का मतलब है, हिंदी में इसको आप ज्यादा अच्छा समझोगे, जैसे को तैसा। जैसे को तैसा मतलब आप जिसके साथ जैसा व्यवहार करते हो आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार रिस्पॉन्स में होता है, ठीक है। अच्छा, इसका है फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिसको बोला गया है बी गिवन द सेम ट्रीटमेंट दैट यू हैव गिवन टू अदर्स। आपने जैसा व्यवहार दूसरे के साथ किया आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार होता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है क्या, कर भला तो हो भला। अगर आप भला करोगे, अच्छा ही करोगे, तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा, राइट। 102 का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। 103, बी द डेविल्स एडवोकेट। डेविल्स एडवोकेट मतलब क्या समझते हो, देखो कोई अगर डेविल है, यहाँ पर अगर कोई डेविल है, शैतान है, तो उसका भी एडवोकेट बने। एडवोकेट क्या करता है, बेसिकली आपका समर्थन करता है ना। तो आप डेविल के भी यानी शैतान के भी एडवोकेट बने, यानी जो बुरा व्यक्ति है उसका भी सपोर्ट कर रहे हो आप, ठीक है। जब जरूरत पड़ेगी तभी ऐसा करोगे, वैसे तो नहीं करोगे। तो 103 का फर्स्ट ऑप्शन सही है कि कोई गलत व्यक्ति है उसका भी सपोर्ट करना जब आपको लगता है कि वो उस टाइम पे सही है, ठीक है। 103 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। विद द डेविल्स एडवोकेट का मतलब होता है किसी व्यक्ति को समर्थन देना जब उसको जरूरत आपको लगे, ठीक। 104, पुट वंस कार्ड ऑन द टेबल। अपने पत्ते ना टेबल पर रख देना, कार्ड वो जो ताश कहते हैं ना जिसे, वो वाले कार्ड से अपने पत्ते दिखा देना, यानी ऑनेस्ट हो जाना, ठीक है ना। टू बी ऑनेस्ट, ईमानदार होना, ठीक है। अच्छा, 104 का थर्ड ऑप्शन सही है। 105, इट्स ग्रीक टू मी। देखो, इट्स ग्रीक टू मी, ग्रीक क्या एक फॉरेन लैंग्वेज है, और हो सकता है कि हम में से ज्यादातर को ग्रीक नहीं आती है, ठीक है। तो वो कैसा है, हम लोग उसको समझ सकते कि नहीं समझ सकते। जैसे कोई बोलेगा इंग्लिश इज ग्रीक टू मी, इंग्लिश मेरे लिए कैसा है, ग्रीक जैसा है, फॉरेन लैंग्वेज जैसा है, यानी मुझे समझ नहीं आता है, ठीक है। कैसा है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिसे बोला जाता है इनकम्प्रिहेंसिबल। क्या बोला जाएगा, इनकम्प्रिहेंसिबल। और ये कम्प्रिहेंशन से क्या बनता है, आपका रीडिंग कम्प्रिहेंशन बनता है, जिसके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना उसको बोलेंगे इनकम्प्रिहेंसिबल, ठीक है। इट्स ग्रीक टू मी, राइट। 105 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। 106, टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। किसी को कोल्ड शोल्डर देना यानी किसी को इग्नोर करना, क्या करना, इग्नोर करना। ये शो इनडिफरेंस, इनडिफरेंस का मतलब होता है किसी को इंटरेस्ट नहीं दिखाना किसी से बात करने में, तो आप उसे इग्नोर ही कर रहे हो ना, आप किसी से बात करने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, यानी आप उसे इग्नोर कर रहे हो, सिंपल। तो अगर उसको क्या बोलेंगे, कोल्ड शोल्डर देना, टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। 106 का सेकेंड ऑप्शन सही है, राइट। आगे बढ़े, पक्का। 7, बेल द कैट, ठीक है। आपने एक स्टोरी बताने की सुनी है कि नहीं, जिसमें बोलते हैं कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, यही डिसाइड करना होता है। तो उसी स्टोरी से आप लोग उसको याद रखेंगे कि डू द इम्पॉसिबल टास्क, की सबसे मुश्किल काम कौन होता है, कौन करता है, ठीक है। एक बिल्ली होती है जो नुकसान कर रही होती है लोगों का बहुत ज्यादा, लोग डिसाइड करते हैं कि इससे बचना तो है, तो एक काम करते हैं बिल्ली के गले में ना घंटी बांध देते हैं, ताकि जब भी वो आए तो हमें पता चल जाएगा। अब लेकिन क्वेश्चन तो वही आता है ना कि बांधेगा कौन, ठीक। तो उसी को बोलेंगे कि इम्पॉसिबल टास्क को करेगा कौन, उसी को बोलेंगे बेल द कैट, समझ आया। 107 का थर्ड ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट, 108, द गिफ्ट ऑफ द गैप। हम लोग उसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसको बोला जाता है एलोक्वेंट। एलोक्वेंट व्यक्ति यानी वाक पटुता उनमें है, ठीक है, बहुत अच्छे से बोलते हैं, पब्लिक स्पीकर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, इसको बोला जाता है एबिलिटी टू स्पीक एलोक्वेंटली। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, बोलने की क्षमता बहुत अच्छी है, ठीक है ना। 108 का फोर्थ ऑप्शन सही है, राइट। 109, अ हार्ड नट टू क्रैक। इसका मतलब होता है कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। अच्छा, उसको बोलेगा क्या, इज डिफिकल्ट टू सॉल्व। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब है व्हेन समथिंग इज डिफिकल्ट टू सॉल्व,
तो आप उसको बोल सकते हो दिस इज अ हार्ड नट टू क्रैक। 109 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। 1010, ठीक। रन इन टू रफ वेदर, देखो आप रन कर रहे हो यानी दौड़ रहे हो, वो भी किसमें, जब मौसम भी बहुत खराब है, रफ है, यानी एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज, आप परेशानियां झेल रहे हो, ठीक है ना। आप वही समझो ना कि मौसम खराब है फिर भी आप उसमें दौड़ रहे हो, यानी आपको मुश्किल हो ही रही है, ठीक हो गया। 111, बिल्ड कैसल्स इन द एयर, बिल्ड कैसल्स इन द एयर, इसको भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसको बोलते हैं ख्याली पुलाव बनाना या हवाई महल बनाना। हैव अनरियलिस्टिक आइडियाज, जो रियल है ही नहीं, ऐसे आइडियाज आप दे रहे हो, ठीक है। अच्छा, उसको बोलते हैं बिल्ड कैसल्स इन द एयर, जिसको बोलते हैं ख्याली पुलाव बनाना या हवाई महल बनाना, ठीक है। 111 का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 112, हिट द सैक, ठीक है। हिट द सैक का मतलब होता है बेड में चले, अब वेंट टू बेड, देखो गो टू बेड का मतलब होता है स्लीप, सोना, ठीक है। तो वेंट टू बेड का मतलब यहाँ पर है सोने से मतलब है, ठीक हो गया। या ध्यान देना, और मैं इसके और भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ इसमें, हिट द सैक इज इक्वल टू होता है कॉल इट अ डे, क्या बोला मैंने, कॉल इट अ डे। जैसे ही आप कोई काम आपने खत्म कर लिया दिन भर में, जो भी काम आपको मिला था, या खत्म नहीं भी किए लेकिन आप जैसे ही बोलते हो लेट्स कॉल इट अ डे, इसका मतलब ये कि चलो खत्म करते हैं, हो गया इतना काम, इतना ही काम काफी आज के लिए, ठीक है। तो आप उसको कैसे बोलोगे, इसको आप बोलोगे कॉल इट अ डे, और इसको आप लोग डेली कम्युनिकेशन में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। देखो हिट द सैक का मतलब एक तो वेंट टू बेड यानी सो जाना भी होता है, और दूसरा रिटायर होना भी होता है, ठीक है। तो 112 का सेकंड ऑप्शन सही है, हिट द सैंक का मतलब गो टू बेड, ठीक, सेकंड ऑप्शन। 113, टुक टू देयर हील्स, टुक टू देयर हील्स का मतलब होता है रन अवे, क्या बोलेंगे, रन अवे यानी भाग जाना कहीं से, ठीक है। अच्छा, 113 का सेकंड ऑप्शन। 114, एट देयर विट्स एंड, विट किसे बोलते हैं, विट बोलते हैं बुद्धि, बुद्धि के अंत में आप हो, यानी इसको बोलेंगे आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, परप्लेक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो प्रोनंसिएशन पर ध्यान देना, परप्लेक्स, परप्लेक्स का मतलब होता है चिंतित, क्या होता है, चिंतित, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कंफ्यूज्ड, कि आप अपने बुद्धि के अंतिम छोर पे हो, यानी बहुत चिंतित हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना है, ठीक है। हमने इसके लिए इडियम और पढ़ा है जिसको बोलते हैं एट सी, समुद्र के किनारे कब जाते हैं, जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी आप याद रख सकते हो, यहाँ पर हमारा 114 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, परेशान होना, जिसको बोलते हैं एट देयर विट्स एंड, कि अपनी बुद्धि के अंतिम छोर पे होना, यानी परेशान होना किसी बात को लेके, ठीक हो गया। 115, फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन्स का मतलब पता है क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है लाइवली एंड एनर्जेटिक, जो बहुत ज्यादा लाइवली है, लाइवली मतलब उसमें जीवन है, ठीक है ना, एक एनर्जी है, जैसे मैं बोलूंगा विराट कोहली इज फुल ऑफ बीन्स, कि वो कैसे प्लेयर है, बहुत लाइव प्लेयर है ना, बहुत एनर्जेटिक प्लेयर है, ठीक है, यूथ आइकॉन जिन्हें माना जाता है, ठीक। तो 115 का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, फुल ऑफ बीन्स का मतलब है लाइवली एंड एनर्जेटिक, ठीक, आगे बढ़े, ठीक। 116, कीप समवन इन द डार्क, किसी को डार्क में रखना, देखो किसी को डार्क में रखना मतलब किसी को अंधेरे में रखना नहीं, इसका मतलब इन इग्नोरेंस, इन इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का मतलब किसी को इग्नोर करना, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो आप ज्यादा, उसको क्या बोलेंगे, डार्क में रखना, ये छुपाना चाहते हो किसी चीज को ना, उसको बोलेंगे, ठीक। अच्छा, अगला 116 का थर्ड ऑप्शन सही है। 117, पाई इन द स्काई, देखो पाई पता है क्या होता है, आपने चौको पाई खाया है, ठीक है, नहीं खाया तो देख लेना, चौको पाई खाने की चीज होती है, ठीक। अगर वो स्काई में आपको दिख रहे हैं, यानी समथिंग नॉट पॉसिबल, यानी बेसिकली बिस्किट टाइप ही कुछ मान लो, तो वो आपको क्या दिख रहे हैं, आसमान में दिख रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है क्या कि बिस्किट आसमान में उछल रहे हो या आसमान से नीचे गिर रहे हो, नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो समथिंग नॉट पॉसिबल यानी पाई इन द स्काई का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो पॉसिबल है ही नहीं, उसको बोलेंगे पाई इन द स्काई, ठीक हो गया। 117 का सेकेंड ऑप्शन। 118, सेल लाइक हॉट केक्स, ठीक है, इसका मतलब होता है कोई भी चीज अगर बहुत स्पीड के साथ, ठीक है ना, बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बिकती है। देखो यहाँ पर तो सिर्फ क्विकली लिखा हुआ है, लेकिन आप इसके आगे भी समझेंगे, कोई चीज बहुत तेजी से बिक रही है और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बिक रही है, उसको बोलेंगे इट इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स, कैसे बिक रही है, बहुत ज्यादा अमाउंट में बिक रही है, तो यहाँ पर ठीक 118 का सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक हो गया।
119 इन द सेम बोट, इन द सेम बोट यानी आप एक ही बोट में, यानी दोनों की सेम सिचुएशन है, ठीक है ना। अच्छा सेम सिचुएशन है, दोनों एक ही प्रॉब्लम से गुजर रहे हो। देखो जितने भी एक्सपीरियंस हुआ आप लोग, ठीक है ना, तो वो क्या है, एक ही फेज में तो हो, जॉब गवर्नमेंट जॉब ही तो चाहते हो, तो हम लोग कैसे, वी आर इन द सेम बोट, सेम सिचुएशन में, है ना। 119 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़े, समझ आ रहा है, ठीक। 120, डेट हीट, डेट हीट का मतलब पता है क्या होता है, डेट हीट का मतलब पता है, ऐसा कंपटीशन जिसमें दो कॉम्पिटेंट जो होते हैं, जो लड़ रहे हैं आपस में किसी कंपटीशन में, वो एग्जैक्टली सेम टाइम पर खत्म करते हैं और रिजल्ट भी उनका सेम ही रहता है, ठीक है। क्या देखो जैसे क्या होता है ना कि क्लास में दो बच्चे बहुत अच्छे पढ़ने में, दोनों के 100 में से 100 नंबर आते हैं, तो वो एक दूसरे को डेड हीट कॉम्पिटिशन देते हैं। कैसा कॉम्पिटिशन देते हैं, डेड हीट कॉम्पिटिशन, ठीक है ना। जैसे आपने हिंदी में सुना होगा, तू शेर तुम्हें सवा शेर, ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे के बराबर टक्कर वाले जिसे कहते हैं ना, एक ही टक्कर के, उन्हें बोलेंगे क्लोज कंटेस्ट दैट एंड्स इन अ टाई, ठीक है। कोई ऐसा कंटेस्ट है, फिर क्या हो जाएगा, दोनों सेम टक्कर के तो मैच क्या हो जाएगा, टाई ही तो हो जाएगा, ड्रॉ ही तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बोला है डैट हीट कॉम्पिटिशन, ठीक है। 120 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक, समझ आ रहा है। 121, टू टेक फ्रेंच लीव, देखो बहुत अच्छा एग्जाम में पूछा जाता है, फ्रेंच लीव लेना यानी होता है लीव विदाउट एनी इंटीमेशन। इंटीमेशन पता है इसको किसको बोला जाता है, इसको हिंदी में आपने सुना था सूचना, या दूसरा आपने सुना था विज्ञप्ति, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है विज्ञप्ति जारी करती है, ठीक है। तो लीव विदाउट एनी इंटीमेशन यानी बिना किसी सूचना के छुट्टी लेना, उसको बोला जाता है फ्रेंच लीव। क्या बोला जाएगा, फ्रेंच लीव। 121 का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक हो गया। 122, ऑन शैंक्स मेयर, ठीक है, क्या बोलेंगे, ऑन शैंक्स मेयर, जिसको बोलते हैं ऑन फुट, ऑन फुट यानी पैदल यात्री, जिसके लिए एक और वर्ड हमने पढ़ा है, जिनको बोला जाता है पेडेस्ट्रियन। क्या बोला जाता है, पेडेस्ट्रियन, ठीक है। अच्छा यानी पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। 123, अ स्नेक इन द ग्रास, देखो मतलब ग्रास है, घास है, उसमें कोई स्नेक है यानी वो हिडन है, ठीक है ना, दिख नहीं रहा आपको, सीक्रेट एनिमी, जो अभी तो आपको दिख नहीं रहा लेकिन जैसे क्या है वो आपको नुकसान पहुंचाएगा आगे जाके पक्का, ठीक है ना। अच्छा तो उसको बोलेंगे स्नेक इन द ग्रास, अ सीक्रेट एनिमी, एक ऐसा दुश्मन जो आपको अभी दिख नहीं रहा है, ठीक है। 123 का सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। 124, स्पिल द बीन्स, देखो बहुत अच्छा एडियम है, इसी से रिलेटेड एक और बताते हैं, दैट इज लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। क्या बोला मैंने, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग यानी रिवील कर देना सीक्रेट को, किसी भी सीक्रेट को रिवील कर देना, उसको बोलेंगे लेट द कैट आउट ऑफ द बैग या स्पिल द बीन्स, गिव अवे अ सीक्रेट, ठीक है ना, एक सीक्रेट को, किसी सीक्रेट को रिवील कर देना, समझ आया। 125, 124 का थर्ड है, 125, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, ठीक है ना। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट का मतलब होता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है अपने मुंह मियां मिट्ठू। क्या बोला जाता है, अपने मुंह मियां मिट्ठू यानी अपना ही प्रशंसा करना, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो बोलते हैं ना कि मैं ये करता हूँ, मेरे घर में तो इतनी सारी गाड़ियां पड़ी हैं, मैं इतना सैलरी कमाता हूँ, अपनी तारीफ करते रहते हैं, उसको बोलेंगे ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, ठीक है ना। प्रेज वन सेल्फ, जो खुद की ही बातें करते रहते हैं, ठीक है, उनको कैसे बोलेंगे, वो ईगो, ईगोटिस्ट है। देखो दो यहाँ पे क्वेश्चंस में आपको बताता हूँ, पहला है ईगोइस्ट, ईगोइस्ट मतलब अहंकारी, जो खुद के बराबर किसी को मानता ही नहीं है, उसको बोलेंगे ईगोइस्ट पर्सन। और जो खुद की ही बातें करता रहता है, ब्लू ही ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट यानी अपने मुंह मियां मिट्ठू बनता है, उसको बोलेंगे ईगोटिस्ट। क्या बोलेंगे, ईगोटिस्ट। 125 का थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है ना, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। ठीक, आगे बढ़ जाने से पहले रिविजन करके चलते हैं, ठीक है। 125, ब्लू वंस ओन ट्रम्पेट यानी अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा करना। 124, स्पिल द बीन, सीक्रेट को रिवील कर देना, इसी के जैसा एक दूसरा इडियम, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। 123, अ स्नेक इन द ग्रास, एक सीक्रेट एनिमी जो आपको भी दिखाई नहीं दे रहा पर आपको नुकसान देगा आगे जाके। 122, ऑन शैंक्स मेयर मतलब ऑन फुट यानी पेडेस्ट्रियन, पैदल यात्री। 121, टू टेक फ्रेंच लीव यानी बिना इंटीमेशन के, बिना सूचना के छुट्टी लेना। 120, डेड हीट, एक ऐसा कॉम्पिटिशन जिसमें दो व्यक्ति जो हैं, दो कंटेस्टेंट बिल्कुल बराबर के हैं, टक्कर के, ठीक
ठीक है, तो मैच टाई हो जाएगा बेसिकली। उसको बोलेंगे डेड हीट। 120 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। 119, इन द सेम बोट, इन द सेम बोट यानी सेम सिचुएशन में होना, ठीक। 118, सेल लाइक हॉट केक्स यानी कोई चीज बहुत तेजी से बिकना और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बिकना। 118 का सेकेंड ऑप्शन सही है। 117, पाई इन द स्काई, कोई ऐसी चीज जो पॉसिबल नहीं है उसको बोलेंगे समथिंग नॉट पॉसिबल इज इक्वल टू पाई इन द स्काई, ठीक है। 117 का सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। 116, कीप समवन इन द डार्क, किसी को डार्क में रखना यानी इग्नोरेंस में रखना, किसी को इग्नोर करना, ठीक है, ध्यान न देना किसी को, या छुपा के रखना भी बोल सकते हैं, ठीक है। 115, फुल ऑफ बीन्स यानी लाइवली एंड एनर्जेटिक, ऐसा कोई व्यक्ति जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है या वो बहुत लाइव है, ठीक है, उसको बोलेंगे सेकेंड ऑप्शन सही है। 114, एट समवन्स विट्स एंड का मतलब क्वाइट परप्लेक्स्ड, ठीक है ना, कंफ्यूज्ड होना, या इज इक्वल टू हमने बताया था एट सी, समुद्र के किनारे तभी जाते हैं जो परेशान होते हैं, वो भी याद रखेंगे। 113, टुक टू देयर हील्स, रन अवे, कहीं से भाग जाना, ठीक है, यानी हमारा 113 का सेकेंड ऑप्शन सही है, ठीक। 112, हिट द सैक, इसका मतलब होता है वेंट टू बेड यानी सो जाना, ठीक है, अच्छा। 111, बिल्ड कैसल्स इन द एयर, मतलब ख्याली पुलाव बनाना, ठीक है, या हवाई महल बनाना। हैव अनरियलिस्टिक आइडिया, कोई रियलिस्टिक आइडिया ही नहीं, रियल हो ही नहीं सकती वो चीज। 110, रन थ्रू रफ वेदर, मतलब प्रॉब्लम्स झेलना, डिफिकल्टी झेलना, ठीक है, परेशानियां झेलना। 109, अ हार्ड नट टू क्रैक, मतलब एक कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, हार्ड नट टू क्रैक है। 108, गिफ्ट ऑफ द गैब है यानी एलोक्वेंट है, बहुत अच्छा वक्ता है। 107, बेल द कैट, कि इम्पॉसिबल टास्क को करेगा कौन, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। 106, किसी को कोल्ड शोल्डर देना, किसी को इग्नोर करना या इंटरेस्ट नहीं दिखाना। 105, ग्रीक टू मी, कोई चीज मेरे लिए ग्रीक है यानी इनकम्प्रिहेंसिबल है, मेरे को समझ ही नहीं आती है, ठीक। 104, पुट वंस कार्ड ऑन द टेबल, ऑनेस्ट होना, ईमानदार बनना। 103, बी द डेविल्स एडवोकेट, किसी पर्सन को सपोर्ट करना, ठीक है, जब आपको सही लगे तब, और वो भी बुरे व्यक्ति को स्पेशली। 102, गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, जैसे को तैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक। 102 का चौथा ऑप्शन बिल्कुल, ऑप्शन बिल्कुल सही है। 101, क्रॉस द ब्रिज, किसी काम को तब करना जब जरूरत पड़े, ठीक है, अच्छा। तो इस तरीके से हमने 25 idioms फिर से कवर कर लिया पार्ट 6 में। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, अच्छा लगा है तो उसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस आगे मिलती रहे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।